विद्युत लोकोसेट बड़ौदा ने इन हाउस लगभग 15,000 रुपए में इंटीग्रेटेड टेस्ट बेंच का निर्माण ओईएम मैनुअल्स के अनुसार किया है। इस टेस्ट बेंच पर थ्री फेज लोको के निम्न रिले तथा सेंसरों की टेस्टिंग की जा सकती है। ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के प्रेशर सेंसर, ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के टेम्परेचर सेंसर, विभिन्न अर्थ फॉल्ट रिले और मिनिमम वोल्टेज रिले। सर्वप्रथम इस टेस्ट बेंच में लगाए गए उपकरणों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। टेस्ट बेंच में डिजिटल मीटर उपयोग में लाए गए हैं जिससे मानवीय भूल दूर की जा सके। कनेक्शन में मिलीवोल्ट ड्रॉप कम रखने के लिए बनाना पिनों का प्रयोग किया गया है। प्रेशर गेज की रीडिंग पढ़ने में त्रुटि ना हो इसलिए एलईडी प्रकाशित गेज का प्रयोग किया गया है। कन्वेक्शन से होने वाली त्रुटि दूर करने के लिए ग्लिसरीन वात का प्रयोग किया गया है। यह डिजिटल एसी वोल्टमीटर है, यह डिजिटल डीसी वोल्टमीटर है, यह डिजिटल एसी मिली एम्पेयर मीटर है, यह डिजिटल डीसी मिली एम्पेयर मीटर है, यह मेन सप्लाई इंडिकेशन लैंप है, यह प्रेशर गेज एलईडी लाइट के साथ, यह इंटरलॉक इंडिकेशन लैंप है, यह मेन सप्लाई ऑन ऑफ स्विच है, यह एसी इनपुट कनेक्शन के टर्मिनल हैं, यह डीसी इनपुट कनेक्शन के टर्मिनल्स हैं, यह एसआर के टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन का सॉकेट है, यह एसआर के प्रेशर सेंसर के कनेक्शन का सॉकेट है, यह ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन का सॉकेट है, यह ट्रांसफार्मर के प्रेशर सेंसर के कनेक्शन का सॉकेट है, यह एसी सप्लाई के लिए फ्यूज़ है, यह डीसी सप्लाई के लिए फ्यूज़ है। यहाँ से फिक्स डीसी सप्लाई 50 वोल्ट की ली जाती है। यह इंटरलॉक के कनेक्शन के लिए सॉकेट है। यहाँ पर प्रेशर सेंसर का कनेक्शन करेंगे। यह एसी वोल्टेज वेरियक है। यह एयर प्रेशर रेगुलेटर कम स्विच है। यह एयर प्रेशर रिलीजिंग कॉक है। यह पैनल का पिछला हिस्सा है। यहाँ विभिन्न कनेक्शन दिखाई देते हैं। यह अर्थ फॉल्ट रिले है। एक लोको में चार अर्थ फॉल्ट रिले होती है, दो ट्रैक्शन कन्वर्टर सर्किट में तथा दो ऑक्सिलरी सर्किट में। जब भी इन सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है तो यह रिले ऑपरेट होकर सर्किट को नुकसान से बचाती है। इस रिले की टेस्टिंग के लिए इसके यूवी टर्मिनल को एसी वेरियल सप्लाई से जोड़ते हैं तथा एबी टर्मिनल को इंटरलॉक सॉकेट से जोड़ देते हैं। कि हमने यहाँ पर ये कनेक्शन कर दिए हैं, अब एसी सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तथा मिली एम्पेयर मीटर में बढ़ती हुई करंट को मेजर करते हैं। जब यह करंट 150 प्लस माइनस 10% मिली एम्पेयर होती है तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है एवं उसका संकेत इंटरलॉक इंडिकेशन लैंप के जलने और ऑडियो बजर के बजने से मिलता है। यह मिनिमम वोल्टेज रिले है। यह रिले ओएचई वोल्टेज के होने की पुष्टि करती है तथा ओएचई के 15.7 केवी से कम होने पर बीसीबी को खोल देती है। अब हम इस रिले की टेस्टिंग करेंगे। रिले के टर्मिनल 20 एवं 21 को 48 वोल्ट डीसी से जोड़ेंगे। टर्मिनल 12 एवं 13 को वेरिएबल एसी सप्लाई से जोड़ेंगे। टर्मिनल 14 एवं 15 को इंटरलॉक इंडिकेशन से जोड़ देते हैं। सारे कनेक्शन होने के बाद अब हम एसी वोल्टेज को वेरियक की सहायता से धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिसे हम एसी वोल्टमीटर में देख सकते हैं। जब वोल्टेज 140 प्लस माइनस 5% हो जाता है तो रिले ऑफ हो जाती है, जिसका संकेत इंटरलॉक इंडिकेशन लैंप के जलने और बजर बजने से मिलता है, तथा जब वोल्टेज कम करेंगे तो 120 प्लस माइनस 5% पर रिले डीनर्जाइज हो जाती है, जिससे इंटरलॉक इंडिकेशन लैंप बुझ जाता है। अब हम प्रेशर सेंसर का टेस्टिंग करेंगे। यह ट्रांसफार्मर का प्रेशर सेंसर है। यह इसका सर्कुलर टाइप फीमेल कनेक्टर है। यह ट्रैक्शन कन्वर्टर का प्रेशर सेंसर है। यह इसका डी टाइप फीमेल कनेक्टर है। लोको में प्रेशर सेंसर ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के ऑयल सर्किट में लगाया गया है तथा यह ऑयल प्रेशर की जांच करता है, जिससे ज्ञात होता है कि ऑयल पंप सही कार्य कर रहा है या नहीं। प्रेशर सेंसर की टेस्टिंग के लिए सर्वप्रथम प्रेशर सेंसर को प्रेशर जिग पर लगा देते हैं तथा इसके फीमेल कपलर को टेस्ट बेंच पर लगा देते हैं।
जहां से 24 वोल्ट डीसी की फिक्स अप्लाई प्रेशर सेंसर को दी जाती है तथा मल्टीमीटर की सहायता से आउटपुट करंट मिली एम्पेयर में मेजर की जाती है, जो कि 0 बार प्रेशर पर 4.3 प्लस माइनस 0.3 मिली एम्पेयर होती है। इसके बाद प्रेशर रेगुलेटर से धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते हैं तथा आउटपुट करंट को मल्टीमीटर पर मेजर करेंगे, जो कि टेबल में दिखाए अनुसार रीडिंग प्राप्त होगी। अब हम टेम्परेचर सेंसर की टेस्टिंग करेंगे। यह ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर सेंसर है। यह इसका सर्कुलर ड्राइव फीमेल कनेक्टर है। यह ट्रैक्शन कन्वर्टर का टेम्परेचर सेंसर है। यह इसका डी टाइप फीमेल कनेक्टर है। टेम्परेचर सेंसर का कार्य ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के ऑयल के तापमान की जांच करना। टेम्परेचर सेंसर की टेस्टिंग के लिए इसके दोनों प्लेटिनम 100 रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड पर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसके लिए टेस्ट बेंच पर इसके कपलर पिन 1, 6 और 5, 9 पर डिजिटल मल्टीमीटर लगाकर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर सेंसर को ग्लिसरीन से भरे बीकर में डिप कर देते हैं, जिसके तापमान की गणना के लिए एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं। अब इलेक्ट्रिक हीटर की सहायता से ग्लिसरीन को गर्म करते हैं तथा टेबल में दर्शाए तापमान पर रेजिस्टेंस को दोनों मल्टीमीटर में मेजर करते हैं।